हाय डियर एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे पॉइंटर नेट बनाना। ये रहा हमारा पैटर्न, इसको हम बनाएंगे आज। इसको हम सीखेंगे ये कैसे बनता है। तो जब भी हम पैटर्न बनाएंगे, हम जो भी हम बना रहे हैं उसको हम ध्यान से पहले ये चीज़ देख लेते हैं। जैसे ये हमारा होल बना हुआ है, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 होल बने हुए हैं। तो ये हमारे 5 पॉइंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 5, पहले हम पॉइंटर यहाँ पे बना लेते हैं। पॉइंटर नीट यूज करने के लिए दोस्तों हम कीबोर्ड से 71 प्रेस करेंगे। 71 नंबर हमारा ये पॉइंटर राइट साइड के लिए आ जाएगा। यहाँ से हम रेक्टेंगल लेकर यहाँ से हम अपना पॉइंटर दे लेंगे। 7 नीट 6 7 हो गए, ठीक है। ये हमारा पहला बन गया। ये हमारा पहला होल यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया। अब इस लाइन को हम एक प्लेन रखेंगे, इसको हम प्लेन रखेंगे। इसके बाद फिर हम सेम टू सेम यही चीज़ करेंगे। ये हमारे 5 होल थे, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 होल। ये जो हमारे होल बनेंगे यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। ये नेट जो हमारी है इसको उठाकर ये यहाँ तक लेकर आएगी, समझ गया आप। यहाँ से हम रेक्टेंगल फिर उठाएंगे, कीबोर्ड से 2 प्रेस करेंगे, 2 नंबर नेट हम यहाँ से ले लेंगे। 2 नंबर नेट हमारी बैक नेट है। ये हम इस नेट को छोड़ देंगे। ये जब यहाँ से रैक करेगा तो ये यहाँ पे लाके इस कुंडे को ड्रॉप करेगा, यहाँ पे होल बनाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको 7 नेट इसको भी ले लेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। ये हमारा ये चीज़ बन गया, ये चीज़ हम बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया पूरा एरिया। अब हम इसको बना रहे हैं, ये हमारा बन गया। इसके बाद हम फिर 1 मिनट हम प्लेन रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से फिर हम इसको बना लेंगे। ये जो हम इसको छोड़ना है, यहाँ से हम अगर बैक नेट ले आएंगे तो ये हमारी नेट क्लियर नहीं आएगी, तो हम इसको फ्रंट नेट ही रखेंगे। तो हम यहाँ से इसको बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। नहीं तो हम इसको दोस्तों 2 मिनट के बाद रख सकते हैं ताकि दिक्कत ना आए। ये हम इसको 2 मिनट बाद रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब सेम टू सेम हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको 2 मिनट के बाद फिर यहाँ पे रख लेंगे। ये हमारा ये चीज़ हमारा बन गया, आप देख सकते हैं। ये हमारा ये चीज़ बन गया और ये हमारा बन गया। 6 7 नेट हम इसको दिए, 7 नेट इसको भी दिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक बन गया। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा पैटर्न बना हुआ है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्शन बॉक्स उठाएंगे और यहाँ से इसको यहाँ पे ला के 1 नेट बाद ही ड्रॉप करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ से आके इस पर क्लिक करेंगे मिरर टूल पे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा मिरर हो गया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं, ये तो हमारा राइट में बन रहा था और इसको हम लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं। अब सेम टू सेम इसके सामने भी पैटर्न आप देख सकते हैं। ये चीज़ हमारी ये लाइन इस साइड की जा रही है और ये लाइन हमारी इस साइड की जा रही है। तो हम इसको हम कॉपी कर लेंगे जस्ट इसके साथ यहाँ तक कर लेंगे और इसके साथ हम ये हम ट्रांसफर नेट ही कर रहे हैं, यहाँ पे कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया। हम दोस्तों ये तो हमारा पैटर्न का जो भी नेट पॉइंट था इसको हम बना लिए हैं। अब हम इसको रिपीट बनाएंगे। रिपीट बनाने के लिए दोस्तों जो जहाँ तक हमारा रिपीट बनेगा उसके हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे।
ठीक है, यहाँ से इसको उठा लिए, जस्ट इसके सामने हम इसको रखेंगे, यहाँ स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया। इसके बाद हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दोनों छोड़ देंगे हम लास्ट की, ताकि हमारा जब भी पैटर्न बने तो दिक्कत ना हो, साइड में कटे ना, दोनों छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको ऊपर की साइड कॉपी करेंगे, यहाँ से हम इसको सभी को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम एक नेट यहाँ पे दोस्तों हम छोड़ देंगे, प्लेन नेट रखेंगे, और यहाँ से हम कॉपी टूल उठाएंगे और इसको ये देखिए स्मूथली इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये हमारा कॉपी हो गया। इसके बाद इसमें हमें बॉर्डर का, अगर हमें साइज बढ़ाना है तो ये हमारा बॉर्डर का एरिया है, इसमें हम जितनी भी नेट देना चाहते हैं, जैसे मैं इसमें 22 नेट दे रहा हूँ, यहाँ पे हम 22 इंटर कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। अगर बॉर्डर हमारा सेम या नहीं चलना है तो हम यहाँ से 17 नंबर क्लिक करेंगे। 17 नंबर क्लिक करने के बाद ये हमारा फीडर यहाँ से स्टार्ट होता है। नीचे से हम देख लेते हैं, ये हमारा कढ़ाई का फीडर चल रहा है एक नंबर, इसके बाद ये हमारे कंची नेट है, इसके बाद फिर हमारे ये एक नंबर फीडर चल रहा है, इसके बाद ये हमारी बैक साइड को ड्रॉप करेगी कटाई के लिए, ये कैंसिल नीट आ गई। अब यहाँ से हमारा फीडर स्टार्ट हो रहा है बॉर्डर का। ठीक है, अगर हम यहाँ से दूसरा फीडर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम 3 नंबर फीडर बॉर्डर का अलग से लगा देंगे। अगर हम एक ही फीडर का यूज कर रहे हैं तो 3 नंबर लगाएंगे, अगर 2 करेंगे हम तो यहाँ से ऐसे करके लगा लेंगे, इसके साथ हम 2 नंबर लगा लेंगे। ठीक है, और इसको पूरे को हम रिपीट में कॉपी कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 2 फीडर चले जाता। हम यहाँ पे दोस्तों 1 फीडर यूज करेंगे और ऊपर का, जैसे हम इसको अगर हम 2 धागे से बनाना चाहें 2 धागे बना सकते हैं, अगर हम सिंगल धागे से बनाएं बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम 2 नंबर फीडर यूज कर रहे हैं, हमारा पैटर्न बन गया है। अब हम पैटर्न बनाने के बाद इसको कंपाइल करेंगे, इंटर करेंगे। ठीक है, ये हमारा वार्निंग प्लीज चेक एंड रो, ये हमारा कह रहा है लास्ट में जो हमारा जहाँ तक पैटर्न बना हुआ है, ये देख सकते हैं 3 नंबर, ये जो हमारी 1 नंबर नेट आ रही है, ये हमारी ये बता रही है कि हमारा फीडर अपनी पोजीशन पे नहीं खड़ा हो पा रहा है, तो हम यहाँ से 1 नंबर नेट या यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे या तो हम डिलीट कर देंगे। ये हमारा हो गया, और हमारा इसके साथ 3 नंबर फीडर भी आ रहा था, 2 नंबर भी फीडर आ रहा था। हम लास्ट 9 का भी नोटिफिकेशन आ रहा था तो हम लास्ट में देख लेते हैं, तो यहाँ से भी हमारा सेम टू सेम वही हाल है, तो यहाँ से 1 नंबर नेट यहाँ से भी डिलीट कर देंगे। अब फिर से हम दोबारा कंपाइल करते हैं, ये हम कंपाइल करेंगे, हमारा कोई इशू नहीं आएगा दोस्तों। ये देखिए हमारा कंपाइल स्मूथली हो चुका है, जो हमारा मीडियम स्पीड की स्पीड जो हमारा पल्ला बनेगा 24 मिनट का, और हाई स्पीड से हम 19 मिनट में बना सकते हैं, और इसका अगर हम लो स्पीड में बनाएंगे तो ये हमारा आधे घंटे में लगभग बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारा पैटर्न बन चुका है, अब हम इसको सिमुलेशन करके देख लेते हैं हमारा पैटर्न किस प्रकार का बन रहा है। यहाँ से हम डाउन आएंगे, यहाँ से भी हम सिमुलेशन करा सकते हैं, और हम यहाँ से साइड में वर्क स्पेस पे आएंगे, और यहाँ से हम जो हमारा ये नीट व्यू है इसके नीचे यहाँ हम क्लिक करेंगे और सिमुलेशन पे आ जाएंगे। यहाँ से हम कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके हम कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं, इसे हमने येलो ले लिया है, तो यहाँ से हम ओके कर देंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा सिमुलेशन में उस हिसाब से होता है दोस्तों। इसको हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा पैटर्न
जिस टाइप का हमने बनाया है क्या उस तरह बना हुआ है। तो ये 3D मेंशन करके दिखा देता है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारा पैटर्न, ये देखिए इस तरह बन रहा है। ये देखिए हमारा जो हमने होल दिया हुआ है ये इस तरफ जा रहा है और ये हमारा इस तरफ का जा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारा इस तरफ जा रहा है, ये हमारा होल बन रहा है, ठीक है, ये हमारा होल बन रहा है। ये हमारा पैटर्न कम्प्लीटली बन चुका है। ये देखिए ये दोस्तों, जब हम मशीन से बनाएंगे तो हमारा सेम टू सेम जैसा पैटर्न बना हुआ है वो इसी तरह आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को, दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। दोस्तों इसी तरह दोस्तों आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों रात के 10, 10:30, 11 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो देख के दोस्तों स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए दोस्तों। हम जहाँ तक दोस्तों हो सकता है हम आपको नॉलेज देते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दोस्तों आप अपना ख्याल